नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थान की मशहूर मसाला बाटी। ये हलवाई बनाते हैं, बहुत फेमस होती हैं, शादियों त्योहारों में बनती हैं। तो इसे आज हम बहुत आसान तरीके से अप्पे पैन और बाटी कुकर में बनाएंगे। फ्राई नहीं करेंगे, फिर भी बहुत टेस्टी बनेंगी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, ये प्याज और हरी मिर्च काटी है, और ये थोड़े से काजू और किशमिश लिए, किशमिश काले वाली है, और फ्रोज़न मटर लिए हैं, चाहे उबले हुए मटर ले लीजिए आप। मसालों में हम नॉर्मल मसाले लेंगे, कसूरी मेथी, गरम मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्च, जीरा और अमचूर। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हम तेल या घी कुछ भी लेंगे, उसमें जीरा डालेंगे और प्याज और हरी मिर्च को थोड़ा सा भून लेंगे। आप चाहे तो यहाँ अदरक भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। अब किशमिश और काजू को थोड़ा सा भूनेंगे, मटर डाल देंगे क्योंकि मटर भी हमारे बॉईल हैं या फ्रोज़न है तो भी वो कुक होते हैं। अब यहाँ पर हम सारे मसाले डाल देंगे, अमचूर डाल देंगे और अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार है बाटी के लिए। आइए बाटी के लिए आटा बनाते हैं। ये आटे में हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे लगभग आधा चम्मच, और मोरन के लिए घी डालेंगे और सूजी डालेंगे, उससे थोड़ा सा ये कुरकुरा बनेगा। चलिए नॉर्मल बाटी जैसा हम आटा लगा लेंगे, इसे रेस्ट करने देंगे थोड़ी देर। तो आइए बाटी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये अप्पे पैन के लिए बाटी बनाएंगे, बहुत छोटी होंगी साइज़ में। तो एक छोटा सा लोई लेंगे हम, उसको बहुत हल्का सा बेलकर इसमें हम आलू स्टफ कर लेंगे। इसमें बहुत थोड़ा ही मसाला डलेगा क्योंकि अप्पे पैन का बहुत छोटा साइज होता है। ये देखिए, इस तरह से हमारी बाटी रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इसमें थोड़ी बड़ी लग रही है तो इस बार हम थोड़ी छोटी बाटी बनाते हैं। चलिए फिर से इसमें मसाला भरते हैं हम लोग। ये देखिए, अब ये छोटी परफेक्ट बाटी बनी। इसी तरह से हम सारी बाटियां बना लेंगे। ये देखिए, इन्हें ढककर रख देते हैं और हम बाटी कुकर के लिए बनाते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह का बाटी कुकर लिया है। इसके लिए हम लोई भी बड़ी लेंगे और इसमें हम मसाला भी ज़्यादा डालेंगे। ये देखिए, अब इसमें हमने मसाला भर लिया है और इस तरह से बंद करते हुए हम बाटी बना लेंगे और हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे। इसे हम गोलनी बनाएंगे, थोड़ी फ्लैट रखेंगे और इसी तरह से हम हमारी सारी बाटियाँ बना लेंगे। चलिए अब इन्हें हम कुक करने की तैयारी करते हैं। हम दोनों गैस पर बाटी कुकर अप्पे पैन रख देंगे और अप्पे पैन में हम घी डालेंगे और उधर बाटी कुकर को हम गर्म होने के लिए ढक देंगे। अब घी गर्म होते ही हम सारी बाटियाँ डाल देंगे अप्पे पैन में, और इधर कुकर भी हमारा गर्म हो गया। चलिए यहाँ पे बाटियाँ रख देते हैं। साइज़ अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। इसमें बाटी अप्पे वाले पैन में बाटी थोड़ा मतलब साइड वाली कम कुक होती, बीच वाली ज़्यादा, तो इसलिए हम अप्पे पैन को चारों तरफ थोड़ा थोड़े टाइम में हम हिलाते रहेंगे, उससे हर तरफ से इवनली कुक होंगी वो। अब एक साइड में कर देंगे, देखिए जहाँ से कुक नहीं हुई है, और इधर बाटी कुकर में भी हम हमारी बाटियों को संभाल लेंगे। ये थोड़ा धीरे धीरे ही कुक होंगी, तभी अंदर तक कुक होंगी और बहुत क्रिस्प बनेंगी। अब अप्पे पैन में हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे तो ये बिना फ्राई किए ही बहुत खस्ता बनेंगे बिल्कुल। मसाला बाटी घी में ही फ्राई होती है, पर अप्पे पैन में हम कम घी में फ्राई बाटी जैसा ही टेस्ट पाएंगे। ये देखिए, लगभग कुक हो गई हैं ये वाली बाटियाँ भी। देखिए हमारी कुक हो गई, आइए इनको सर्व करते हैं हम। तो ये अप्पे पैन वाली बाटी आप चटनी या किसी भी चीज़ के साथ खाइए, देखिए कितनी क्रिस्प बनी है। दही के साथ खाइए या किसी सब्जी के साथ। और बाटी कुकर वाली जो बाटियाँ हैं थोड़ी बड़ी हैं, इसमें घी भी नहीं है अभी, तो देखिए इसे हम इस तरह से फोड़ेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम घी डालेंगे। जितना घी डालेंगे उतना ही टेस्टी लगेगी। तो देखिए ये रेडी है। तो इन्हें अपने मनपसंद की सब्जी, दही, कड़ी किसी भी चीज़ के साथ खाइए
और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।